Assalamualaikum and a very good morning. Jaago Lahore के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन. सैटरडे का दिन है यानी कि कल बहुत सारे लोगों की छुट्टी आ रही है. ईद से पहले आपकी छुट्टी आ रही है तो बहुत सारी तैयारियां भी होगी जो आपने ईद की करनी होंगी. कुछ लोगों ने मवेशी मंडी जाना होगा और बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी के लिए जो जो एहतमाम करना होगा वो करेंगे. और आज का दिन हम आपके साथ एज यूजुअल रिसर्च शेयर करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, आपके हेल्थ रिलेटेड इशूज भी डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दी चलूँ कि हम दुनिया में बात करते हैं लाहौर के आर्टिस्ट से, हम मिलवाते रहते हैं कि दुनिया में भी बेतहाशा जो आर्टिस्ट मौजूद हैं जो लकड़ी के ऊपर अपने फ़न के शाहकार जो हैं वो तख्लीक करते हैं. लेकिन एक ऐसा आर्टिस्ट भी है जो एक जर्मन बाशिंदा है जो लकड़ी पर जानवरों के शानदार 3D जो मुजस्मे हैं वो बनाता है. 20 साल की उम्र से जनाब इस आर्टिस्ट ने पहले फ़न मसवरी सीख लिया था, जिसके बाद से वो लकड़ी को तराश कर अपनी फनकारी आजमाया करता था. 1996 में कटर मशीन की मदद से इसने लकड़ी को तराश कर जानवरों के जो 3D मुजस्मे हैं वो बनाना शुरू किए, जिसमें उन्होंने जो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की महारत भी हासिल कर ली. और ये मुजस्मे बनाने के बाद उनको कलर भी करते हैं और उनका बनाया गया शेर, ज़ेब्रा, घोड़ा और खरगोश आज ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. ये लकड़ी के हैं 3D मुजस्मे और आप जिसको हम नॉर्मली सिर्फ पेंटिंग जो इस तरह से देखते हैं ये 3D हैं और लकड़ी को इस तरह से तराशा गया है कि आपको वाकई गुमान होता है कि सही में जो है. और इसके साथ साथ इसके ना सिर्फ उसको लकड़ी से बनाते हैं बल्कि उसके बाद उसको हकीकत का रंग देने के लिए इस पर पेंट भी किए जाते हैं. और पेंट करके जो आप देख सकते हैं ये ज़ेब्रा बिल्कुल गुमान हो रहा है. और ये आर्टिस्ट जो 20 साल की उम्र से ये करें लेकिन अब जो इतनी महारत हासिल कर चुके हैं ये, और इनके शानदार मुजस्मों पर इनको कई अवार्ड्स भी दिए जा सकते हैं, जा चुके हैं बल्कि. और ये कहा जाता है कि जनाब वाकई आर्टिस्ट डेफिनेटली जब आपके पास एक स्किल है आप उसको यूटिलाइज करें. और यही आर्टिस्ट जो है ये अपने मुजस्मों के जरिए पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. तो जनाब अगली रिसर्च भी आपके साथ शेयर करते चलें. और हम जब बचपन में च्युइंगम खाते थे, वैसे तो मुझे कभी भी बचपन में च्युइंगम खाने नहीं दी गई और बहुत सारे लोगों को नहीं खाने दी जाती, और हमारे घर में अभी भी बच्चे च्युइंगम नहीं खा सकते. लेकिन अक्सर बच्चे जो खाते हैं च्युइंगम वो निगल जाते हैं, वो निगल जाके कहते हैं कि जनाब ये तो आपकी नुकसानदेह होता है. और वो वाकई किस तरह से नुकसानदेह होते हैं हम आपको बताते हैं कि च्युइंगम को निगल जाना बचपन में सुना था कि ख़तरनाक साबित हो सकता है, आपके मैदे में कई बरसों तक ये मौजूद रह सकती है. तो इसका जवाब जो है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने दे दिया है, जिनके मुताबिक जो है आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके मुख्तलिफ जो मराहल है उसको दरियाफ्त किया गया कि च्युइंगम के ज़रात कुछ तो हज़म हो जाते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अरसे तक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बिल्कुल उसी फॉर्म में रहे जिस फॉर्म में आपने उसको निगला था. जब आपको आप जैसे अब ये सिस्टम जैसे काम करता है कि आप जब कोई खुराक खाते हैं, कोई खाना खाते हैं तो उसके बाद आपका जो एक स्लाइवा होता है और जो आपका स्टमक होता है उसमें मौजूद प्रोटीन्स और एंजाइम्स इस गज़ा को टुकड़े कर उसको ज़रात की शक्ल में एब्जॉर्ब करा देते हैं. लेकिन जो तमाम बाकी आपके जो एसिड्स होते हैं हम जिसको कहते हैं आपका स्टमक में मुख्य एसिड्स पाए जाते हैं, तो वो ज़रात को जो खाने को उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डालकर आपकी जो नालियाँ उसमें से ईजीली उसको चले जाते हैं. लेकिन च्युइंगम को किसी आम ग़ज़ा की तरह डिज़ाइन नहीं किया जाता कि वह आम ग़ज़ा की तरह अंदर जाएगी, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली वो डाइजेस्ट करने के लिए तो नहीं बनाएगी, वो तो आपके मुंह को बस आप चबा सकते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा. तो जनाब इसमें कुछ इस कदर कुदरती सिंथेटिक रबर बैट्स होते हैं, रबर बेस होते हैं जो इसे मुसलसल चबाने में मदद देते हैं. और आमतौर पर च्युइंगम जो है वो बीटल रबर से तैयार की जाती है जो कि एक सिंथेटिक रबर है जो उसको चबाने के लिए बहुत आइडियल समझा जाता है. दांतों से चबाने के दौरान च्युइंगम को कोई असर नहीं होता लेकिन जब उसे निगला जाता है तो वो एक पूरे टुकड़े की शक्ल में आपकी ग़ज़ाई नाली जो आपकी डाइजेस्टिव नाली है उसके अंदर जाते हैं और ऑयल्स वगैरह को अलग कर देती है. मगर ये जो रबड़ होता है ना ये उसी फॉर्म में आपके मैदे में मौजूद रहता है. और तीसरे मरहले में भी जब आपको एसिड उस ज़रात को छोटे उस खाने को या उस जिस हम खाने की पहले बात कर रहे थे उसको छोटे टुकड़ों में करते हैं लेकिन वो इस रबड़ का वो भी कुछ नहीं उखाड़ सकते, ये उसी तरह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद रहती है और ग़ज़ाई निज़ाम में आपके बिल्कुल ये उसका हिस्सा बन जाती है. लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ बहुत अरसा तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं रह सकती, लेकिन नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए कि आप च्युइंगम को बिल्कुल स्वेलो ना करें, क्योंकि जब आप उसको निगल लेते हैं स्वेलो कर लेते हैं तो वो बहुत ही आपके अंदर जाकर कुछ नालियाँ कुछ च्युइंगम्स क्वालिटी पर भी डिपेंड करती है कि आप अच्छी क्वालिटी की च्युइंगम खा रहे हैं या नॉर्मल आपने किसी भी उस तरह से ले लिया. तो ये
तमाम चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि च्युइंगम निगलना को बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये काफ़ी अर्से तक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और मैदे में मौजूद रह सकती है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेहत के हवाले से भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल नहीं बल्कि हम बहुत अच्छे से बात करते आ रहे हैं कि जो डायबिटीज़ है, शुगर है, वो एक बहुत संगीन तरीके से फैल रहा है और उसकी जो फैलने की शरह उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और क्या वजूहत हैं डायबिटीज़ होने की, किस तरह को क्योर किया जा सकता है, क्या एहतियात करनी है, क्या नहीं करना, ये सब हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर आमिर खान जो कि डायबिटिशियन है। वेलकम टू द शो डॉक्टर आमिर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर आमिर, सबसे पहले तो हम डायबिटीज़ की बात करें, शुगर की बात करें, ये बेसिकली है क्या? बेसिकली डायबिटीज एक मेटाबॉलिक बीमारी है और इसकी वजूहत तो बेसिकली इंसुलिन की कमी होती है जिस्म में, और इसकी दो बुनियादी किस्म है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ है जो निस्बतन कम लोगों में पाई जाती है। इसमें तो इंसुलिन की जो सेल्स रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी में लुबलुब हो जाते हैं, उसमें सेल्स होते हैं बीटा सेल्स, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है और बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की रिलीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे मरीजों को तो ताहाल ये जो है इनको इंसुलिन पर रहना पड़ता है सारी ज़िंदगी के लिए। लेकिन जो दूसरी किस्म है टाइप 2 डायबिटीज़, ये निस्बतन ज़्यादा लोगों में यही पाई जाती है। आम जो अक्सर डायबिटिक्स आप देखते हैं वो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं। इसमें इंसुलिन की रिलीज़ ख़त्म तो नहीं होती लेकिन मिकदार कम हो जाती है, और ख़ास तौर पर इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है कि जो इंसुलिन थोड़ी बहुत रिलीज़ करती है पैनक्रियाज, उसके अगेंस्ट मुदाफ़त पैदा हो जाती है, रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं, दो अमामिल होते हैं, एक इंसुलिन की रिलीज कम हो जाती है, दूसरा उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी रेशो बढ़ने की वजह क्या अभी तक समझ में आई है? इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, एक तो हमारा लाइफ स्टाइल बहुत सीडेंट्री हो गया है, बहुत हम आसान पसंद जिंदगी के आदि हो गए हैं, थोड़ा सा भी जाना हो तो हम अपनी गाड़ी यूज़ करते हैं, पैदल चलने से गुरेज करते हैं, वॉक एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है तकरीबन, और डाइटरी जो फैक्टर्स हैं वो बहुत अहम है इसमें, कि जो डाइट हमारी है वो बहुत ज़्यादा हैवी फूड हम लेते हैं और इसमें ज़्यादा चिकनाइयाँ लेते हैं, मीठे खाते हैं, और फिर स्ट्रेस, लाइफ का स्ट्रेस भी इसमें इसको कॉज तो नहीं करता लेकिन इसकी जो कंट्रोल है उसको प्रॉब्लम करता है। तो मल्टीपल फैक्टर, फिर वेट का ज्यादा होना, वजन का ज्यादा होना, तो मुख्तलिफ वजूहत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स को भी डिस्कस की जाए तो क्या सिम्टम्स है बेसिकली डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि बहुत सारे केसेज में डायबिटीज डायग्नोज ही नहीं है। जी आप सही फरमा रही हैं, उसमें इब्तदा में तो अक्सर सिम्टम्स नहीं होते, उसमें ये होता है कि मरीज थोड़ा सा वीकनेस महसूस करता है, पेशाब ज़रा ज़्यादा आता है, प्यास ज़्यादा लगती है, लेकिन वो समझता है कि गर्मी की वजह से हो रहा है या कुछ कम पानी पीने की वजह से हो रहा है, तो उसको एक तो ये सिम्टम्स ही होते हैं। लेकिन जो इसका जो मेन टेस्ट है वो चेक करने के बाद ही पता चलता है कि शुगर है कि नहीं है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है, अक्सर वो तब डायग्नोज हुई जब उसकी कॉम्प्लिकेशन सामने आती है, यानी बिनाई पर असर हो गया, खुदा ना खासा फालिज हो गया, कोई दिल का मसला हो गया, ये न्यूरोपैथी, पैर और सुन होना शुरू हो गए और उसमें चूंटियाँ चलनी शुरू हो गई, तो दीज ये जो सिम्टम्स हैं ये भी शो करते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, जिन लोगों में डायबिटीज़ की जो सिम्टम्स पाए जाते हैं, सबसे पहले किन एहतियात की तरफ से जाना चाहिए पेशेंट्स को? सबसे पहले तो उसको अपना ये है कि चेक करना चाहिए कि वाकई उसको शुगर है कि नहीं है, या वो प्री डायबिटिक तो नहीं है, यानी शुगर होने के करीब तो नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद फिर उसको अपनी लाइफ स्टाइल को गौर से देखना चाहिए कि मेरी क्या क्या मेरी जिंदगी के ऐसे अवामिल हैं जिसको मैं तब्दील कर सकता हूँ। अगर उसका वेट है तो उसको वेट पे ज़रूर कंसंट्रेट करना चाहिए कि वेट वो कम रखे, अपना अपने मुनासिब वेट रखे। फिर अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसको बिल्कुल क्विट कर देना चाहिए। इसके अलावा और डाइटरी फैक्टर्स हैं, एक्सरसाइज बाकायदा वॉक करे या जॉगिंग करे, जो भी उसको आसानी से जिसका उसका टाइम मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर शुगर या तो बहुत ज़्यादा हाई होती है या बहुत सारा लो हो जाती है एकदम से शुगर पेशेंट्स जी, क्या वजह होती है? शुगर लेवल हाई और लो की वजह तो ये मेनली तो ट्रीटमेंट होती है कि अगर आदमी दवाई ले रहा है, डॉक्टर साहब ने उनको दवाई दी है, इंजेक्शन इंसुलिन दी है या गोलियां दी हैं और वो खा नहीं रहा या मिस कर रहा है, तो उसमें शुगर हाई होने के अवामिल ज़्यादा हैं। जब उसको इन्फेक्शन हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन होगी या यूरिन की इन्फेक्शन होगी, उसमें भी शुगर के बढ़ने का इम्कान ज़्यादा है। जहाँ तक आप लो का फरमा रही हैं, उसमें लो भी हो सकती है कि अगर उसने इंसुलिन की मिकदार ली है और अपनी मील नहीं लिया, खाना नहीं खाया या एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली, तो उससे लो होने का खदशा होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें, रेशो भी बढ़ी है बहुत ज़्यादा, वजूहत भी आपने बता दी, सिम्टम्स को भी हम डिस्कस करें, लेकिन सबसे बढ़कर हम ये बात करते हैं कि डायबिटीज़ जो है तमाम बीमारियों की जड़ है, इसकी वजह से और भी दीगर बीमारियों में क्या क्या शामिल है? इससे डायबिटीज़ ऐसी चीज़ है कि जिस्म के हर हिस्से पर असर करती है, लेकिन ख़ास तौर पर बुनियादी तौर पर जो उसके टारगेट ऑर्गन्स होते हैं उसमें दिल हो गया, आँखें हो गई, दिमाग हो गए और गुर्दे हो गए, ये चार जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इस पे जब असर करती है तो वो फिर इंसान की जिंदगी पे काफ़ी उसके मुजर असरात होते हैं। किस तरह से असर करती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की किडनी पे बहुत फर्क पड़ता है, क्या वजह है? किडनी पे इसकी वजूहत तो काफ़ी सारी होती हैं, कि डायबिटीज़ में एक तो होता है कि वेसल्स जो शरियाने होती हैं उसकी सुकड़ने का अमल बढ़ जाता है, दूसरा पेशाब के रास्ते जब शुगर पास आउट होती है उससे भी इन्फेक्शन होती हैं बार बार, और बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से भी वो
किडनीज की फाइब्रोसिस होनी शुरू होती है, उसका साइज श्रिंक कर जाता है और अल्टीमेटली फिर वो आखिरी स्टेज पे जाके किडनी फेलियर में चला जाता है और बाद उसका उसको गुर्दों की सफाई की जरूरत ही पड़ती है, डायलिसिस वो तो लास्ट स्टेज पे पड़ती है। अच्छा, इस रिस्क को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली इसको बुनियादी तौर पे तो शुगर कंट्रोल रखनी चाहिए, चाहे वो नॉर्मल शुगर कितनी फॉल करती है और जो हाई है वो कितनी फॉल करती है। जी मैं अर्ज करता हूँ कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर है अकॉर्डिंग टू जो हमारी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की उनकी हम फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइंस को, तो 126 या 126 से ज्यादा अगर फास्टिंग है 10-11 घंटे का फास्ट होने तो वो तो डायबिटीज कन्फर्म हो गई है। जो रैंडम ब्लड शुगर है वो वेरिएबल करती है कि आपकी डाइट क्या है, आपने क्या डाइट ली है, तो जो डायग्नोसिस में जो तशखीस करने में जो मददगार साबित होती है वो फास्टिंग ब्लड शुगर है या फिर HbA1c एक शुगर का ओवरऑल प्रोफाइल बताता है कि शुगर आज से पेशेंट 2-2.5 माह पहले कितनी थी, तो वो भी एक रेंज होती है, उसमें परसेंटेज अगर बढ़ जाए तो वो भी डायबिटीज की रेंज। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एहतियात की बात भी करें, क्या डायबिटीज वाकई क्योरेबल है, रिवर्स हो सकती है या इसको कंट्रोल ही किया जा सकता है? नहीं, इट इज़ ये क्योरेबल तो नहीं है, फिलहाल क्योरेबल नहीं, लेकिन ये ट्रीटेबल है, यानी इलाज किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है और सारी ज़िंदगी याद मेरे पास कई डायबिटिक पेशेंट हैं 30-40 साल से उनको डायबिटीज़ है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनकी कंट्रोल रहती है, लेकिन जिनकी कंट्रोल ना है तो ये फिर दीमक की तरह खा जाती है, तो इसका ट्रीटमेंट है लेकिन क्योर तहाल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, जो इनकी कंट्रोल है और जो मतलब कंट्रोल के बाहर जिस तरह से हमारी डाइट पे बहुत ज़्यादा हम लोग मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, नॉर्मली हमारे घरों में भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम शुगर के बगैर जो चीनी के वगैरह चाय पी लेते हैं लेकिन वैसे हम शुगर उसी तरह से कंज्यूम करते हैं, कितना अवॉइड करना चाहिए? देखें, शुगर की बेसिकली बुनियादी तौर पर इसकी दो बेसिक टाइप्स होती हैं, एक सिंपल शुगर जिन्हें कहते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं, जो हमारा टेबल में जो शुगर हम यूज़ करते हैं चीनी जिसे कहा जाती है, तो ये सिंपल शुगर है, ये सिंपल शुगर सिर्फ जाके शुगर लेवल बढ़ाती है। जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती हैं जिस तरह फलों में कॉम्प्लेक्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो तो लेने चाहिए बल्कि, हाँ उससे तो जिस्म में मुदाफत पैदा होती है, उसके साथ फाइबर भी जाता है, तो वो तो गुड शुगर जैसा गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल जैसा गुड शुगर होती है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, तो हमारे साथ मौजूद हैं, हमें डायबिटीज़ के हवाले से बता रहे हैं, अक्सर भी हमारे साथ मौजूद है। अभी हम डाइट की बात कर रहे थे कि डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत कंट्रोल्ड और बहुत ही गिन चुनकर और नाप तोल कर खुराक जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो अक्सर इन्हीं से जाने की जो हमें डायबिटिक पेशेंट्स की डाइट के हवाले से बताएंगी। जी अक्सर जी अर्मिला, जो जनरल थॉट है चीनी मीठा जो है वो चीनी है, शक्कर है, गुड़ है, या फिर कुछ कह लेते हैं कि हनी है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, इनसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी नहीं बल्कि चीनी और इस तरह की चीज़ें जो हमें शुगर यानी कि डायबिटीज़ करवा सकती हैं, हालांकि चीज़ें थोड़ी सी इसके बरक्स हैं। जो हम रोटी खा रहे हैं, जो हम नान खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, मैदे वाली चीज़ें खा रहे हैं, बेकरी आइटम्स, जो हम चावल खा रहे हैं, जो हम पास्ताज खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, वो सब जो है उसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, ये हमें डायबिटीज़ की तरफ लेके जा रही है। और हमारी फैमिली हिस्ट्री में अगर हमारे पेरेंट्स को है डायबिटीज़, पेरेंट्स में से किसी एक को है डायबिटीज़, और आपका जो है अगर आप HbA1c करवाएं, अपनी लैब्स टेस्ट करवाएं, तो आपका नॉर्मल रेंज में है लेकिन वो अपर लिमिट को टच कर रहा है, तो इसका मतलब आपको ज़्यादा चांसेस हैं, आपको किसी भी वक्त डायबिटीज़ हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा देखें, डाइट में देखें कि आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप गलत कर रहे हैं। उसके अलावा ये भी है कि अगर आप ओवरवेट हैं, आप ओबीस कैटेगरी में आते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं, आप कोई बाहर वॉक नहीं करते, कोई साइकिलिंग नहीं करते, कोई जॉगिंग नहीं करते, किसी किस्म का आपका कोई आउटडोर प्ले नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, तो ये आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके जा रहा है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी नॉर्मल रूटीन पैटर्न में डाइट के अंदर खासतौर पर सैलड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो लो फैट होनी चाहिए, और नॉर्मल जो घर का खाना होता है उसके अंदर अगर हम चपाती ले रहे हैं तो चपाती ब्रैन के साथ यानी कि छान के साथ होनी चाहिए, उसमें गंदम के आटे में छान मार्केट से इजीली अवेलेबल है वो छान डाला जाए और जौ का आटा मिक्स किया जाए तो उसका फाइबर ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने फल खाने हैं तो वो वाले फल खाएं जिनमें फाइबर ज़्यादा है ताकि वो आपके पेट में ज़्यादा देर रहें, उनकी सेटाइटी वैल्यू ज़्यादा है, वो शुगर लेवल नहीं बढ़ाते खून में फौरन, और कोशिश करें आम और केला और खजूर और अंगूर इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा कम कर दें। इस तरह बेकरी प्रोडक्ट्स हैं और जंक फूड है उसका जो है इस्तेमाल वो भी कम करेंगे तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा कम हो जाता है। प्लस रोज़ाना सैर और पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी ज़्यादा पिए, 8-10 ग्लास नॉर्मल है, 2-2.5 लीटर पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप गर्मी का मौसम है 2-2.5 लीटर पानी डेली ज़रूरी है कि वो डेली इस्तेमाल किया जाए, आपका जो डायबिटीज़ है वो उसको थोड़ा सा आपसे दूर रखता है, फासले पे रखता है।
फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है. कुछ लोग जो डायबिटिक हो चुके होते हैं वो कुछ साल, 5, 7, 10 साल जो हैं सिर्फ डाइट से और वॉक करके उसको मैनेज कर लेते हैं. तो अगर हमें डायबिटीज़ नहीं है और हमें पता चल गया कि ये सब चीज़ें जो है ये शुगर करती हैं, इनमें शुगर होती है और हमारी फैमिली में हिस्ट्री में भी है, तो अगर हम अभी अपने इन सारे चीज़ों को देख के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे आ जाते हैं तो हम डायबिटीज़ से खुद को बचा सकते हैं. क्योंकि डायबिटीज़ जो एक साइलेंट किलर है, बहुत सारी डिजीज़ कॉज करती है, तो हम इस सारे को बचा सकते हैं, अपने आप को बेसिकली बचा सकते हैं इतनी सारी बीमारियों से. थैंक यू सो मच. अक्सर आप हमें बताई थी कि किस तरह से हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए. डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जिस तरह से भी हमारी न्यूट्रिशनिस्ट भी बताया कि कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ मीठा, चीनी और सारी चीज़ें हैं, बाकी ओवरऑल डाइट भी हमें अवॉइड करनी चाहिए. जी, खास और इसमें ना जिन्होंने बताया है वैसे हमें चिकनाई वाली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. चिकनाई जिसमें फैट्स ज़्यादा हों, ऑयल ज़्यादा हो, घी की मकदार ज़्यादा, उसको भी अवॉइड करना चाहिए. अच्छा, उससे भी डायबिटीज़ बढ़ने के चांसेस? बिल्कुल, उससे डायबिटीज़ भी हो सकती है और दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं, बाकी शरियानों की बीमारियां हो सकती हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज से कहा जाता है, वो हो सकती है. तो फैटी फूड को अवॉइड करना चाहिए कोशिश. अच्छा डॉक्टर साहब, जो प्रेगनेंट खवातीन होती हैं उनमें भी चांसेस होते हैं, वो प्रोन होती हैं डायबिटीज़? जी बिल्कुल, वो ज़्यादा प्रोन होती हैं और उसमें जो रीनल थ्रेशहोल्ड है वो भी कम हो जाता है. जो शुगर की मकदार जब बढ़ती है तो वो पेशाब में जल्दी आने शुरू हो जाती है. तो उन जो प्रेग्नेंट डायबिटीज़ की पेशेंट्स होती हैं उनको यूली इंसुलिन दी जाती है. ठीक. अच्छा डॉक्टर साहब, अवॉइड, जैसे से अभी हमने एक मैसेज ओवरऑल लेंगे कि क्या क्या एहतियात होनी चाहिए और क्या ये जेनेटिक फैक्टर भी होता है डायबिटीज़ का, या सिर्फ अगर फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके डायबिटीज़ है तो उसी तरह से आपको अपने रिस्क को कम करने के लिए भी एहतियात करनी चाहिए? जी बिल्कुल, जेनेटिक फैक्टर्स तो डेफिनेटली है इसमें, और जिनकी मतलब वालदैन में शुगर है, वालिद को है या वालदा को है या बहन भाइयों में, तो उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है. ठीक हो गया. डॉक्टर साहब, कोई मैसेज जो देना चाहें आप हमारे शो पे? बस ये कि मैं सारे अपने नाज़रीन के लिए मैसेज दे रहा हूँ कि अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो घबराएं कतई नहीं. अपनी शुगर को कंट्रोल रखने के लिए उनके पास बड़े मौके हैं. डाइट को बेहतर करें, लाइफस्टाइल बेहतर करें, स्ट्रेस कम लें और अपनी दवाइयों का, चाहे इंसुलिन है या गोलियों का, बाकायदा इस्तेमाल करें. जो इंसुलिन की आप बात करें, इसका इस्तेमाल फॉर द लाइफ टाइम होता है, ये भी थोड़ा गाइड कीजिएगा? ये फिर अगेन डिपेंड करता है कि टाइप 1 डायबिटीज में तो लाइफ लॉन्ग होता है सारी जिंदगी के लिए, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में भी इंसुलिन दी जाती है और उसमें डिपेंड करता है कि शुगर अगर बिल्कुल कंट्रोल हो गई है और फिर उसको ऐसा ऐसा टेपर किया जा सकता है, इंसुलिन को मिकदार उसकी कम की जा सकती है, तो एन मुमकिन है कि शायद उसको स्टॉप भी किया जाए. लेकिन अक्सर ये होता है कि जो उसकी इंसुलिन स्टार्ट की जाए टाइप 2 डायबिटिक्स में, उसको फिर इंसुलिन पे रहना पड़ता है. अच्छा, इंसुलिन पर ही रहना था फिर? लेकिन इंसुलिन पे रहना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बल्कि इंसुलिन तो दवाइयों से, गोलियों से ज्यादा सेफ है. अच्छा, ये तो हमारे अपनी बॉडी का हार्मोन है ना, तो दवाइयां तो बाहर से आ रही हैं, तो ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इंसुलिन. हाँ, जो लोग कहते हैं मतलब हमारा एक जो एक बार बेचारा इंसुलिन पे चला गया उसको हम ऐसे ही समझते नहीं, ये इसमें बड़ी पेशेंट को एजुकेशन की जरूरत है कि इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है. और जो इंटरनेशनली हम इसकी रेशो बढ़ने की बात करें, वो भी हमारा लाइफस्टाइल ही उसमें मैटर करता है? मेन फैक्टर लाइफस्टाइल भी है और इसके अलावा मल्टीपल और फैक्टर्स भी हैं कि डाइट, दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया या प्रॉपर नहीं किया या लेट चेक टाइम पर डायग्नोज नहीं हुई. बिल्कुल, टाइम पर डायग्नोज नहीं हुई. ठीक हो गया. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें डायबिटीज के हवाले से बताया. जनाब, आज का डिटेल मैसेज जो डॉक्टर साहब ने भी हमें डायबिटीज के हवाले से बताया वो यही था कि आप लोगों ने अपनी डाइट का ख्याल रखना है. सिर्फ जो शक्कर है, सिर्फ चीनी, ये सारी चीज़ें जो है वो शुगर नहीं कराती, बल्कि बहुत सारी ऐसी बेकरी आइटम्स, जैसे हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ने भी आपको प्रॉपरली गाइड किया कि किस तरह से आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है. लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके अलावा आपके एक्सरसाइज यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, हर डॉक्टर हर बीमारी के लिए आपको यही रिकमेंड किया जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं. बेशक आप जितने मर्जी बिजी हैं, अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें. और जो डायबिटीज़ की बढ़ती हुई रेशो है, इस पर कंट्रोल इसी सूरत में पाया जा सकता है कि आप अपना लाइफस्टाइल, अपनी खुराक, अपनी जो तमाम तर चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखें, वो सारी चीज़ें फैक्टर आप इस पर असरअंदाज होते हैं. तो बेहतर है कि अपना एहतियात करें, क्योंकि ट्रीटमेंट से बेहतर है कि आप जो एहतियात है वो पहले ही कर लें. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, न्यूज़ स्टोरीज भी डिस्कस करेंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.